ऊंचे मकान, लंबी गाड़ी, व्यस्त जिंदगी, इन्हीं के लिए दिल्ली मूव हुआ था मैं। आज दोबारा वही ऊंचे मकान, लंबी गाड़ियां और व्यस्त जिंदगी को छोड़ के 10 साल बाद अपने घर वापस मूव हो रहा हूँ, असम। तो 2020 ने हर किसी को अलग अलग चीज़ें सिखाई। जो चीज़ मुझे 2020 ने सिखाई, जो इस लॉकडाउन के पीरियड या फिर कोरोना के पीरियड ने सिखाई, इवन तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो इसने मुझे सिखाया वो ये है कि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि मैं रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वैल्यू करने लग गया। जो मेरे करीबी लोग हैं, जो मेरे अपने लोग हैं, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू करने लग गया। और तीसरी और आखिरी बात जो है वो ये है कि मैंने ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई पावर है, सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है, वो है प्रकृति, यानी कि मदर नेचर। तो जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले उतना बेटर आपके लिए है या फिर हम सब के लिए है। तो जिन लोगों को नहीं पता, मेरा नाम है शुभराज, ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से, और पिछले 6 सालों से मैं न्यू दिल्ली में अपना रिकॉर्ड लेबल चला रहा था। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं मूव बैक करूंगा अपने होम टाउन में, और जो है असम में। असम में मेरा जो होम टाउन है उसका नाम है दुलियाजान। ये एक जगह है जो गुवाहाटी से 550 किलोमीटर आसपास दूर पड़ता है, गुवाहाटी से 550 किलोमीटर आगे पड़ता है। मैं गुवाहाटी का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग समझते नहीं ये जगह कौन सा है, जिसकी वजह से यूजुअली मैं गुवाहाटी का रेफरेंस देता हूँ। तो दिल्ली में काफ़ी अच्छा लाइफ चल रहा था, कॉन्स्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, डिसेंट इनकम था, अच्छी ज़िंदगी थी। अब सवाल यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जो यूजुअली लोग सीख करते हैं कि अगर आपको एक डिसेंट ज़िंदगी मिल रही हो, जहाँ पे आपको एक स्टेबल इनकम आ रहा हो, आप यूजुअली सेटिस्फाइड होते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, आप ख़रीद सकते हैं जो आपको ज़रूरत हो, ये होने के बावजूद भी मैं दिल्ली छोड़ के क्यों आया, सवाल ये है। नाउ जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने अभी दिल्ली छोड़ दिया तो मैं आपको हज़ारों रीज़न्स दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उस एक पॉइंट के बारे में बात करूँगा जिसने मुझे ये डिसाइड करने में मदद की, जिसने मेरा वो डिसीजन पक्का कर दिया कि मुझे अभी शिफ्ट करना चाहिए अपने बेस को, क्योंकि यहाँ से भी मैं ऑपरेशनल रहूँगा। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं असम आ गया तो मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, ऑब्वियसली बात है मैं यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना बेस शिफ्ट किया है। और हम सिर्फ उसी एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। बाय द वे, ये मैं अपने घर के पास खेत में आ रखा हूँ और सुबह की मॉर्निंग कॉफ़ी जो है मैं यहाँ पी रहा हूँ। और ये जो 6 साल मेरा बेस जो दिल्ली में था, मैंने काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन परेशानी जो आ रही थी, जो दिक्कत आ रही थी, वो ये था कि मैं अपने क्राफ्ट को खो रहा था, मैं अपनी कारीगरी को खो रहा था। मैं जो करता हूँ, जिस काम के लिए मुझे ये सारा कुछ मेरे पे हुआ, जो ये मैंने काम सीखा, जो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स बने, जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स बने, वो क्राफ्ट मैं कहीं ना कहीं खोने लग गया था। मैंने अपने गिटार को प्ले करना बंद कर दिया था, मैं अपने गाने कम लिखने लगा था। जितना प्रोड्यूस मैं अपना काम करता था जब मैं एक फ्री माइंडसेट से होता था, वैसे काम करना मैंने बंद कर दिया था। मैं अपने चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करने लगा, मैं अपने जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, ना कि क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उनके साथ मेरा बेनिफिट था, जाहिर सी बात है, और वहाँ पे मैं इस बारे में नहीं सोचता था। लेकिन जब अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते थे हम, तो वहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें प्रोकास्टिनेट करने लगा कि बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि ये अपना काम है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सच बात ये है कि मैं अपने क्राफ्ट पे कम काम करने लगा था, और जो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप इस इंडी सीन में, या फिर अगर आप एक इन जनरल म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, आप दूसरे के लिए प्रोड्यूस करते हैं, लोग जिस चीज़ के लिए आपको हायर कर रहे हैं, अगर आप उस चीज़ में खुद इम्प्रूव ना हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने बहुत जल्द इस बात को रियलाइज़ कर लिया कि ये जो क्लाइंट्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सारा जो जितने पैसे बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस बात का, जब तक आप अपने क्राफ्ट में इम्प्रूव ना करें।
क्योंकि समझो मेरी बात, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो ये भी एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मेरा जो कंटेंट है, जिस चीज़ के लिए मुझे लोग जानते हैं, जिस चीज़ के लिए लोग मुझे हायर कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए मुझे ये सारा कुछ मिला है, वो है मेरा क्राफ्ट, वो है मेरा म्यूज़िक। क्योंकि मैं इनिशियली एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ, मैं गिटारिस्ट हूँ, मैं अपने गाने बनाता हूँ, अपने गाने गाता हूँ, इस चीज़ के लिए लोग मुझे जानते हैं। और ये बहुत ज़रूरी था ऐसे टाइम पे, मुझे लगा कि थोड़ा सा लाइफ को स्लो डाउन करना चाहिए, थोड़ा सा जो ये तेज़ रफ्तार में भागती हुई ज़िंदगी है, हमेशा हम किसी न किसी पेस में भाग रहे हैं, किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, इसको थोड़ा सा शायद मेलो डाउन करना चाहिए, थोड़ा सा शायद मुझे इसको स्लो डाउन करना चाहिए। क्योंकि कभी कभार ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आप भीड़ भड़ाके में जहाँ पे आप बहुत फास्ट ज़िंदगी है, वहाँ पे शायद आप रियलाइज़ नहीं कर पाते इन चीज़ों के लिए। तो एनीवेज मुझे यही लगा कि मुझे अभी थोड़ा सा शायद लाइफ को स्लो डाउन कर देना चाहिए, और फाइनली मैं अभी यहाँ पे हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक्चुअली कहीं पे जाना है तो मैं घर वापस जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, और वापस जाके मैं जब फ्री होता हूँ कहीं पे, मैं आपसे मिलता हूँ, दोबारा बात करता हूँ। तो जिस तरीके से आप एक करियर बना सकते हैं म्यूजिक में, इंडिया में स्पेसिफिकली, क्योंकि इंडिया के बारे में कोई बात नहीं करता ऑब्वियसली, और वो है कि आप मुंबई जा सकते हैं, वहां पे जाके आप फिल्म्स में काम कर सकते हैं, बॉलीवुड में काम कर सकते हैं, आप किसी बड़े प्रोड्यूसर के अंडर या फिर किसी के अंडर भी आप इंटर्न कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपना रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, या फिर किसी रेडियो स्टेशन में काम कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल पे काम कर सकते हैं, वॉइस ओवर स्टूडियोज में काम कर सकते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, ये शायद ज़्यादा म्यूज़िकल काम ना हो, ज़्यादा आप म्यूज़िक के साथ काम नहीं कर पाए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अपने सॉफ्टवेयर के साथ खेलने को मिलेगा, आपको एडिटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और बाय द वे, मैं अभी इस सुंदर जगह पे आ रखा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। तो जैसे आपने देखा, काफ़ी सुंदर जगह है, मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। और तीसरा जो तरीका है बेसिकली, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप एक म्यूज़िशियन हैं तो आप अपने म्यूज़िक खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप गिग्स उठा सकते हैं, आप लाइव परफॉर्म कर सकते हैं, और इससे आपका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है, इससे आप काफ़ी अच्छा एक लिविंग भी जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है, चौथा और आखिरी तरीका जो है, आप इंडी म्यूजिशियंस के साथ काम कर सकते हैं, इंडी फिल्म मेकर्स के साथ काम कर सकते हैं। और मैं यूजुअली, ये जो तीसरा पॉइंट है कि मैं अपने म्यूजिक पे काम करना और इंडी म्यूजिशियंस के साथ काम करना, मैं ये दोनों चीज़ें करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे खुद पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं किसी के अंडर डायरेक्टली काम नहीं करता, मैं इंडी म्यूजिशियंस के साथ काम करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया, तो मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा काम करना था, और जो मुझे लगता है कि जिसके लिए मुझे थोड़ा सा शायद अपने ज़िंदगी को स्लो डाउन करना भी ज़रूरी था। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, अगर आपको बॉलीवुड में काम करना है तो शायद आपकी प्रायोरिटी वो होगी, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये है, तो फाइनली ये बात प्रायोरिटी की है। और मुझे लगता है कि मैं अपने फैमिली के साथ रह के, अपने जो लोगों से मैं जिससे प्यार करता हूँ, जिसके साथ मैं रहना पसंद करता हूँ, उनके साथ रह के ज़्यादा क्रिएटिव हो सकूँगा। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि क्यों मैंने दिल्ली छोड़ा और क्या आप कर सकते हैं एज म्यूजिक प्रोड्यूसर जब आप इंडिया में बात करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।